ये है दोस्तों वीवो का T2X 5G है ये, और इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों बैटरी टेम्परेचर एरर का। ये बैटरी टेम्परेचर का यहाँ पे लोगो आता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके का प्रॉब्लम है, आज हम इसी का रिपेयर करेंगे। कोई खास ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वाटर डैमेज फ़ोन है ये, आप देख सकते हैं। इसमें करना क्या है हम आपको बताते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, ठीक है। इसको बाहर निकालते हैं। चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, चार्जिंग बोर्ड और ये फ्लेक्स केबल आपको दोनों रिप्लेस कर देना है, ठीक है। बस इतना सा ही काम है। वीवो में सबसे ज़्यादा केबल का प्रॉब्लम आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये वाटर डैमेज फ़ोन है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पंगा हुआ होगा। तो इसको हम थोड़ा बाहर करते हैं पहले। और यहाँ देखिए पंगा तो हो रखा ही है, आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है इसका, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें करना है ये हमारे पास दूसरा है, ठीक है, और इसको हम यहाँ लगाएंगे। चलिए यहाँ हमने लगा दिया, एंटीना हमें लगा देना है, ठीक है। कई बार लोग छेड़छाड़ देते हैं दूसरे जगह पे, तो आपको दूसरे जगह पे नहीं छेड़छाड़ करना है। सबसे पहले ना आपको फ्लेक्स केबल और चार्जिंग बोर्ड चेक करना है, सबसे पहले तो केबल ही चेक करना है दोस्तों। ये सब ऐसा प्रॉब्लम आता है तब आपको केबल से ही ज़्यादा करके प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हम चलिए यहाँ इसको हम लगाते हैं, ठीक है। चलिए इसको हमने दोस्तों फिट कर दिया। अब हमें चेक करके देखना है, ठीक है, प्रॉब्लम जो है वो हमारा सही हुआ है या नहीं हुआ है। चार्जिंग पे लगाया हमने इसको, तो बिल्कुल सही हो चुका है। ये वाला जो केबल है दोस्तों वो बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम था जो बिल्कुल सही हो चुका। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।